कल्याण अर्जुन को निलंबित। आईएएस पूजा सिंगल की न्यायिक अवधि पूरी हो रही है, इसके बाद अदालत तय करेगी कि उनके मामले पर क्या फैसला करना है। वैसे इस दौरान पूजा सिंगल को लेकर एक बड़ी खबर जेल से आई है। दरअसल आईएएस पूजा सिंगल अब जेल में योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत को पढ़ेंगी। इस आत्मकथा का महत्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे लेखक ना तो पत्रकार है और ना ही कोई विदेशी, बल्कि वो स्वयं ही ज्ञानी महापुरुष है। योगियों के विषय में स्वयं योगी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आधुनिक हिंदू संतों की असाधारण जीवन कथा एवं अलौकिक शक्तियों में वर्णा से युक्त पुस्तक पर सामयिक और सर्वकालिक महत्व है। पुस्तक में श्री परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक विरासत की जानकारी दी गई है। स्वामी जी ने योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रिलाइजेशन फैसिलिटीज की स्थापना की थी। परमहंस योगानंद के द्वारा स्थापित संस्था में उनकी शिक्षाओं का यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने की बात कही गई है। पुस्तक में कुल 49 अध्याय है, जिसमें 1940 से लेकर 1951 की अवधि में जीवन में योगी और मृत्यु के यथार्थ को भी समझाया गया है। अब पूजा सिंगल इस किताब से क्या समझना चाहती है ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये माना जाए कि जेल में रहकर पूजा सिंगल के जीवन में बदलाव आ गया है।